वन वेलकम टू आवर चैनल स्टार फिजिकल एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस। जो भी फिजिकल का एग्जाम होता है उसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन एक ना एक बनता है। फॉर एग्जांपल, हमारी जो रीड की पार्श्वकर्ता किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन मैंने फर्स्ट लिया है इसमें। तो जो एस या सी की विकृति बनती है हमारी रीड की हड्डी में, जो सेमी सर्कल बनता है 50 डिग्री से अधिक बनता है, उस पे जो हमारे पीठ के ऊपर की साइड में बनता है, ऐसा मान्य रूप से जो गोला बनता है, आधा गोला बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम काइफोसिस कहते हैं। दूसरा हमारा क्या होता है, व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी पीठ के जो निचले हिस्से में बनता है, जो हमारा कर्व बनता है, उसको हम लोर्डोसिस कहते हैं। और इसमें थर्ड क्वेश्चन क्या बनता है हमारा, जैसे रीढ़ की हड्डी की किस विकृति में वक्रता साधारणतया एस या सी आकार ले लेती है, यह स्थिति हमारी क्या कहलाती है। तो ये हमारी कहलाती है स्कोलियोसिस। इसी टॉपिक पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीढ़ की पार्श्ववक्रता किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। इसमें फ्लैट बैक लॉर्डोसिस, काइफोसिस है, सॉरी ये किफोसिस नहीं है, काइफोसिस है, ऑप्शन सी, और स्कोलियोसिस। आप जब भी टेस्ट देते हैं, ये हमारा फर्स्ट टेस्ट है आपके एग्जाम के लिए, 20 मार्क्स का होगा ओनली। आप नोटबुक और पेन अपना साथ में लेके बैठिए और नोट डाउन करते रहिए कि कौन सा क्वेश्चन आपको आता है, कौन सा नहीं आता, और करेक्ट आंसर पे टिक करते जाइए। तो क्वेश्चन फर्स्ट का हमारा आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी रहेगा, स्कोलियोसिस। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सामान्य काठ का वक्र की बढ़ी हुई उत्तल उत्कर्ष को संदर्भित करता है, कौन सा करता है हमारा। इसमें भी हमारे पास फोर एग्जांपल हैं, गोल कंधे, काइफोसिस, लॉर्डोसिस और स्कोलियोसिस। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी, लॉर्डोसिस। ये हमारा काठ का वक्र जो हमारी रीढ़ की हड्डी में बनता है और इसमें उत्तल उत्कर्ष को जो संदर्भित करता है, उसको हम लॉर्डोसिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या रहेगा हमारे पास, जोड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। सॉरी, इसमें आंसर आपका फर्स्ट में ही दिखाई दे रहे हैं हमारे, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, क्या रहेगा हमारा, ऑर्थोलॉजी। नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन, हंच बैक भी कहा जाता है। हंच बैक हम किस चीज़ को कहते हैं, इसमें हंच बैक भी कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, हर क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलता है आपको, ठीक है। इसमें क्या रहेगा हमारा, हंच बैक किसको कहा जाता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी, काइफोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रीढ़ की सीधी वक्रता को कहा जाता है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है वो अगर सीधी रहती है, सीधी लाइन में रहती है, तो हम इसको क्या कहते हैं। देखो, ऐसे सीधी लाइन में रहती है तो आप इसको क्या कहेंगे, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर, स्कोलियोसिस। मैंने अभी अभी बताई, ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, रीढ़ की हड्डी की किस विकृति में वक्रता साधारणतया एस या सी आकार लेती है, यह स्थिति कहलाती है स्कोलियोसिस। ये ऐसे टाइप में बनती है, हल्का सा यहाँ से आपका कट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या रहेगा हमारे पास, मुक्त स्थान में प्रक्षेपित वस्तु परियोजना का मार्ग किसके नाम से जाना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पहले के क्वेश्चन जितने भी रिपीट हुए हैं उनमें से हमने टॉपिक में से लिए हैं, क्योंकि कभी भी सेम क्वेश्चन नहीं आते, उसी में से जो, ऐसे फॉर एग्जांपल हमने किसी भी एक क्वेश्चन के फोर ऑप्शन होते हैं, उन्हीं ऑप्शनों में से नेक्स्ट बार आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन मिलता है। आपका टॉपिक वही रहेगा लेकिन सेम क्वेश्चन नहीं होगा, उसी के आंसर आपको, आप किसी भी क्वेश्चन पेपर को उठा लीजिए, उसमें आपके पास चार ऑप्शन है, उनको चारों के चारों ऑप्शन को आप डिटेल से रीड कीजिए, आपका 100% क्लियर हो जाएगा एग्जाम। इसका ऑप्शन क्या रहेगा हमारा, सिक्स का, ये क्या है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर, सॉरी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, बॉक्सर की मांसपेशियां हैं, बॉक्सर की मांसपेशियां कैसी होती हैं, क्या बनता है उसमें, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर, सीराटस इंटीरियर, सीराटस इंटीरियर बॉक्सर की मांसपेशियों में होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एट, स्पीड प्ले, स्पीड प्ले के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक में स्पीड प्ले पे कम से कम 50 क्वेश्चन बनाने वाली हूँ, क्योंकि स्पीड प्ले है, ये हर क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलता है और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है ये हमारा, 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं स्पीड प्ले से, इसलिए मैंने आज एक एक क्वेश्चन उठाए हैं हर टॉपिक के जो भी इम्पोर्टेंट हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या रहेगा हमारा, स्पीड प्ले के रूप में जाना जाता है,
क्या कहते हैं हम, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, फार्ट लेग प्रशिक्षण भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फार्ट लेग प्रशिक्षण करने का सबसे अच्छा मौसम कौन सा है, सबसे अच्छा मौसम कौन सा रहेगा। आप नोट डाउन करते रहिए अपने साथ साथ, ये ऑफ सीजन रहता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। सारे ऑप्शन में इसलिए नहीं बता रही क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ध्यान में नहीं रहता। अभी कहीं पे भी आपका ये क्वेश्चन आ गया, फॉर्ट लेक प्रशिक्षण करने का सबसे अच्छा मौसम कौन सा होता है, तो मैं एक ही ऑप्शन बताऊंगी ना, ऑफ सीजन, आपका टाइम भी बचेगा और दूसरा याद भी रहेगा। सब पे बोलूंगी ना तो याद नहीं रहेगा सारे ऑप्शन अगर हम रिपीट करते हैं, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है आपका, सुधार के लिए फॉर्ट लेक प्रशिक्षण दिया जाता है, सुधार के लिए फॉर्ट लेक प्रशिक्षण दिया जाता है, तो इसमें क्या बनता है, हम क्या रहता है हमारी बॉडी में, धीरज, धीरज की भावना उत्पन्न होती है इसमें, हम मतलब ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करते, आराम से हम कर सकते हैं। सुधार के लिए फार्ट लेग प्रशिक्षण निरंतर चलने वाली एक प्रतिक्रिया भी है। सर्किट प्रशिक्षण का आविष्कार किसने किया, क्वेश्चन नंबर 11th है हमारा, सर्किट प्रशिक्षण का आविष्कार किसने किया था, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, किसने किया था, मॉर्गन ने किया था, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर, ऑप्शन इसमें हमारा मॉर्गन एंड एडमंडसन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फार्ट लेक अधिक निकटता से संबंधित है, फार्ट लेक, क्योंकि देखो 6 क्वेश्चन तो हमारे इसी में बन जाते हैं, फार्ट लेक प्रशिक्षण को आप पूरा का पूरा डिटेल से उसके नोट्स बना लीजिए, उसी में से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। फिर फार्ट लेक अधिक निकटता से संबंधित है, तो इसमें क्या रहेगा हमारा, मध्यम दूरी के धावक के लिए, मध्यम दूरी के धावक के लिए, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्लैंक किस प्रकार के व्यायाम का एक उदाहरण है, प्लैंक किस प्रकार के व्यायाम का एक उदाहरण है, तो ये आपका रहेगा आइसोकाइनेटिक, आइसोकाइनेटिक, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका, दीवार को धक्का देना किस प्रकार के व्यायाम का एक उदाहरण है, दीवार को धक्का देना, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं इसको नहीं बता रही हूँ, इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊँगी, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बच्चे को आना चाहिए, हर स्टूडेंट के लिए इट्स कंपलसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर, बारबेल कर्ल किस प्रकार के व्यायाम का एक उदाहरण है, बारबेल कर्ल किस प्रकार के व्यायाम का एक उदाहरण है, तो ये रहेगा आपका आइसोटोनिक, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोशिका के अंदर गढ़ा तरल पदार्थ होता है जिसे कहते हैं, कोशिका के अंदर जो पदार्थ होता है हमारा उसको क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, इसका आंसर क्या आएगा, साइटोप्लाज्मा, क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोशिका के किस अंग को सेलुलर गार्बेज डिस्पोजल कहा जाता है, कोशिका के किस अंग को सेलुलर गार्बेज डिस्पोजल कहा जाता है, तो ये आपका आएगा लाइसोसोम, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोशिका शरीर से नाड़ी संवेदन का संचार किसकी सहायता से होता है, कोशिका में जो नाड़ी संवेदन का संचार किसकी सहायता से होता है, तो ये आएगा आपका किसकी सहायता से होता है, क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, एक्सॉन, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, एक्सॉन की सहायता से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोशिका के किस भाग को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, कोशिका के किस भाग को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, तो ये रहेगा हमारा राइबोसोम, क्या रहेगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी लास्ट क्वेश्चन है आज का आपका, डेंड्रिट्स की भूमिका अन्य न्यूरोनों से आवेश ग्रहण को और उनको ले जाना, ये क्या कहलाता है, क्वेश्चन नंबर आज का हमारा लास्ट है, डेंड्रिट्स की भूमिका अन्य न्यूरोनों से आवेश ग्रहण और उनको ले जाना क्या कहलाता है, सेल बॉडी की ओर ले जाता है, किसकी ओर ले जाता है, सेल बॉडी की ओर ले जाता है, ये हमारा आज का टेस्ट था। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपके कितने मार्क्स आए, और नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा फार्ट लेग प्रशिक्षण, ये हम पूरा का पूरा आपको डिटेल से करवाएंगे, ये 20 मार्क्स का सेकेंड टेस्ट होगा, ये फर्स्ट था आपका, सो थैंक यू।